ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में थोड़ा, क्योंकि आज आपको पता है डिफेंस डे है, ठीक है ना। तो इतनी देर से मैं बैठ के डिफेंस डे से रिलेटेड ही पिक्चर्स डाउनलोड कर रहा था। तो ये कोशिश करते हैं कुछ इस तरह की चीज बनाने पे, जैसे आपके सामने यहाँ पे डिफेंस डे की एक तस्वीर बनी हुई है, पिक्चर बनी है, ठीक है। 6 सितंबर डिफेंस डे, पाकिस्तान डिफेंस डे। तो इस तरह से हम कुछ बनाने की कोशिश करेंगे, पिक्चर डाउनलोड वगैरह बैकग्राउंड वगैरह से की है, तो अच्छी तरह से देखिएगा। इसमें नई चीजें भी आपको सीखने को मौका मिलेगा, ठीक है। बिल्कुल एक नई चीज से हटकर मैं बताऊंगा, तो कॉपी खोल के रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले मेरा मोटिव क्या है, जैसे ये 6 सितंबर है, ये नजर आ रहा है आपको, जिस तरह इसके अंदर 6 सितंबर के अंदर इस टेक्स्ट के अंदर इमेज कलर आपके सामने आ रहा है, इसी तरह मैं पाकिस्तानी फ्लैग को इसके अंदर इंटर करूंगा। वो किस तरह से एंटर करूंगा, फिर सितंबर लिखूंगा, फिर पाकिस्तानी। तो ये जो वर्ड सितंबर है, मैंने इस सितंबर के वर्ड में, ठीक है, जितने भी हमारे शोदा थे जिनको निशाने हैदर इंडिपेंडेंस डे पे मिला, उन तमाम लोगों की तस्वीरें इंटर करूंगा। क्या करूंगा, तस्वीरें इंटर करूंगा। तो काफी स्पीड रहेगी मेरी आज की क्लास में, बहुत ज्यादा स्पीड रहेगी। आप लोगों ने सिर्फ देखना है, रिकॉर्डिंग क्लास की स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है ना। पिछले तमाम चीजें जो मैंने आपको करवाई थी, वही तमाम चीजें आज की क्लास में करूंगा। मास्किंग, कटिंग, ठीक है, इनवर्स इनवर्स मास्किंग, जैसे हम करते हैं मैजिक वैंड टूल से। तो आप लोगों ने जस्ट वॉच करना है, क्या करना है, वॉच करना है, ठीक है। डिजाइनिंग बनती कैसे, उसमें बैकग्राउंड डिजाइन भी मैंने उठा कर रखा है, मैंने कायदे आजम की तस्वीर, तमाम शोधा की तस्वीर, तमाम चीजें मैंने डाउनलोड करके यहाँ पर रखी हुई है। ये देखिए सर, इतनी देर से बैठ के मैं यही काम कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा टाइम लग गया, तो चले टाइम जाया किए बगैर क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जैसे काम करते हैं, फाइल पे जाते हैं, हमारा कैनवस स्टाइल क्या होगा, हाई रेजोल्यूशन पे काम कर रहे हैं ना हम लोग, कैनवस स्टाइल वाई 1600x1600 पे काम करेंगे, ठीक है। ओपन हो जाने दीजिए, ठीक है। हमारा कैनवस साइज जो होगा वो 1600, ठीक है, और हाइट भी क्या होगा, 1600। क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम, हमने क्या कर दे रहे हैं, क्रिएट, ठीक है। हमने क्रिएट पे क्लिक कर देना है, तो हमारा मेन कैनवास हमारे सामने आ जाएगा, ठीक है। आ गया Ctrl 0, ठीक है। यहाँ इसके ऊपर हमने पंपलेट्स बनाना है, इसके ऊपर बनाना है, हमने इसके ऊपर पंपलेट बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, बनाने के लिए क्या करेंगे, ठीक है जी, 1600x1600। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसके ऊपर बैकग्राउंड ओपन करना है, ओपन। सारे काम इमेजेस के ऊपर होंगे, कोई नया काम नहीं होगा, ठीक है। आप सिर्फ से देख लीजिए, आप लोगों को यूएसबी में पिक्चर मिल जाए, ठीक है, ठीक है। आपने जाना का है एस यूजुअल, आपने, मैं डाउनलोड में पिक्चर डाउनलोड ज्यादा डाउनलोड करके रखता हूँ, तो यहीं पे मैंने डिफरेंट बैकग्राउंड्स लिया हुआ है। तो मैं तीन डिफरेंट बैकग्राउंड, दो डिफरेंट बैकग्राउंड्स को आपस में मिक्सअप करूंगा। जैसे मिसाल के तौर पर पहला बैकग्राउंड ये होगा, ओपन कर लेता हूं मैं, ठीक है। जैसे ये पिक्चर्स है, तो मैं इस पिक्चर्स को यहां तक कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद और यहां लाकर क्या कर लेता हूँ, पेस्ट, क्या कर लेता हूँ, पेस्ट। अच्छा, पेस्ट करने के बाद, ठीक है, नॉर्मल अब कंट्रोल टी करके क्या करेंगे, तस्वीर को आपने जूम इन करना है, ठीक है। अब इस तस्वीर के बिल्कुल मिड में, यानी इस जगह पर मुझे मेजर अजीज भट्टी की तस्वीर कट करके लेकर आना है। क्या करना है, मेजर अजीज भट्टी की पिक्चर को कट करना है। तो कट करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं जाऊंगा कहां, वापस फाइल ओपन। अच्छा, मैं यहाँ पे दो डिफरेंट बैकग्राउंड्स को मिलाऊंगा ना, तो अभी तो फिलहाल मेरे सामने ये बैकग्राउंड है, कोई इशू नहीं है यहाँ पर, अभी और भी देखते हैं, और भी बैकग्राउंड सारे। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मेजर अजीज भट्टी की तस्वीर जो मैंने ओपन कर रखी है, वो सबसे पहले मैंने एज अ शोधा में ओपन करना है। या किधर गए मेजर अजीज भट्टी साहब, ये सब, या ये ले लें या ये ले लें, कोई इशू नहीं,
ठीक है। अच्छा, ये वो तस्वीर है जो मेरे सामने मौजूद है। मैं इस तस्वीर को यहां से पहले मैजिक वर्ड टूल से कट करने की कोशिश करता हूं, अगर वहां से अगर आ जाता है तो हमारा टाइम बच जाएगा। ठीक है, शिफ्ट दबा कर यहाँ। ठीक है, ये सिलेक्शन हो गई हमारी तस्वीर। ठीक है, और हम क्या कर देंगे, यहां से इनवर्स कर देंगे। क्या कर देंगे हम, इनवर्स। ठीक है, इनवर्स करने के लिए हम क्या करेंगे, सिलेक्ट में जाकर सिंपल क्या कर देंगे हम, इनवर्स। इनवर्स के बाद हम शिफ्ट F6, और हम क्या कर लेंगे, इसके फीदर दे देंगे हम 2, और 2 करके ओके कर देंगे। हम क्या करेंगे, यहां से कॉपी क्लोज, और यहां पे लाके क्या कर देंगे हम। अच्छा, अभी ये तस्वीर बिल्कुल छोटी आ रही है। अच्छा, नाम देते हुए जाए बैकग्राउंड, ये बैक है। ठीक है, और ये स्टाइल क्या है, मेजर अजीज भट्टी। ठीक है, अजीज ठीक है। अच्छा, अब तस्वीर को हमें क्या करना है, बड़ा करना है ना साइज, तो हमें कंट्रोल टी करने के बाद शिफ्ट और ऑल्टर दबाकर इसे बड़ा करना है, ताकि तस्वीर इक्वल आ जाए। क्या हो जाए, तस्वीर इक्वल। तो मैं यहां से क्या करता हूँ, तस्वीर को यहां तक इक्वल रखता हूँ, और एंटर। तस्वीर आ गई इक्वल बिल्कुल। तो मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ शिफ्ट और ऑल्टर दबाकर। इससे क्या होगा, तस्वीर की पिक्सल्स नहीं फटेगी, तस्वीर छोटी थी ना। अच्छा, अब जब मैंने इस तस्वीर को ऊपर कर लिया, तो मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि इस बैकग्राउंड के साथ थोड़ा इस तस्वीर को मैं मर्ज कर दूं। क्या कर दूं, इस तस्वीर के साथ इस बैकग्राउंड को मर्ज कर दूं। तो मर्ज करने के लिए मैं इस तस्वीर पर मास्किंग करूंगा। क्या करूंगा, मास्किंग। मास्किंग किस में करूंगा, मैं ब्रश मास्किंग करूंगा। किस में करूंगा, ब्रश। तो यहां से हम मास्किंग ऐड करते हैं, कर लिया ना मास्किंग। मास्किंग करने के बाद ब्रशेस लेंगे। ठीक है, ब्रशेस के साइज को छोटा कर देते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये आपको पता है ब्लैक ही रहेगा। ठीक है, यहां से यूज कर सकते। अब देखें तस्वीर में कुछ लुक आना शुरू हो गया। ठीक है, लुक आ गया तस्वीर में। अच्छा, ये लुक आ गया। ठीक है, अच्छा मैं इनको क्या करता हूँ, तस्वीर को थोड़ा सा मजीद छोटा कर देता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, ऐसा फील हो रहा है कि ये तस्वीर यहां से ही निकल रही है, यानी इस तरह से। मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। ठीक है, शिफ्ट दबाकर अब ये इफेक्ट आना शुरू हो गए। ठीक है, यानी वॉर का इफेक्ट आना शुरू हो गया। अब मैं चाहता हूं कि यहां पे मैं लिखूंगा, अभी 6 सितंबर नहीं लिख रहा, अभी मैंने सिंपल क्या रखना है, यहां पे मैंने यहां पे लिखना है ओनली सितंबर। और किसमें लिखूंगा मैं, ठीक है, इसमें लिखूंगा मैं सितंबर लिखूंगा फॉन्ट स्टाइल इंपैक्ट में। किसमें लिखूंगा, इंपैक्ट में। तो मैं सिर्फ सितंबर, अभी सिर्फ सितंबर डिफेंस डे कुछ भी नहीं लिख रहा मैं। ठीक, क्या लिख रहा हूं, सिर्फ ओनली सितंबर। तो उसके लिए टेक्स्ट ले लेते हैं। किसमें लेंगे टेक्स्ट, टेक्स्ट पे क्लिक किया, फॉन्ट स्टाइल इंपैक्ट, राइटिंग स्टाइल वाइट, और हमने यहां पे कैपिटल में किसमें लिखना है, कैपिटल में आपने यहां से लिख दिया। अच्छा, यहां पे मैं आज आपको पहली दफा, यहां पर आपको फर्स्ट टाइम मैं आपको टेक्स्ट के अंदर स्पेसिंग देना बताऊंगा। किसमें देना बताऊंगा, स्पेसिंग, यानी टेक्स्ट पे ऐसे चिपका हुआ है ना टेक्स्ट, टेक्स्ट को मजीद इस तरह से क्यों गैप कर सकते हैं, तरीकेकार भी बताऊंगा, इस टेक्स्ट को मजीद यूं इस तरह से मिला सकते हैं अपनी मर्जी से, उसका शॉर्टकट कीज बताऊंगा, लिखवा लिख भी दूंगा मैं। तो सबसे पहले मैं सेप्टेम्बर लिखता हूँ, और इसका फॉन्ट साइज बढ़ाने का तरीकेकार क्या है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, ऐसे ही है ना। ठीक है, इस पे तो काफी स्लो चल रहा है हमारा सॉफ्टवेयर, शिफ्ट दबाकर इसको हम डायरेक्ट बड़ा कर लेते हैं। आ गया सितंबर, मैं सितंबर को थोड़ा सा और बड़ा करूंगा। ठीक है, और मैं सितंबर को यहां पे रख देता हूँ, और मैं इन तमाम सितंबर के वर्ड जितने भी मैंने लिख रखे, इन सब के अंदर मेरे जो वो शोधा है, उन तमाम की तस्वीरें एंटर करूंगा। ठीक है, यहां तक क्लियर, मैं कंट्रोल प्लस कर देता हूं। अब देखिए, मैं फर्स्ट टाइम इन टेक्सेस के साथ थोड़ा छेड़छाड़ करूंगा, यानी इन टेक्सेस के साथ गैप देना। तो देखिए, अभी मैं अगर नॉर्मल टेक्स्ट लेने के बाद इसको क्लिक करता हूं, और कंट्रोल ए सेलेक्ट, कंट्रोल ए के बाद कंट्रोल टी प्रेस करता हूं, तो बताया था ना मैंने कि इनमें से गैप करने के लिए यहां से आते थे ना आप, वेरिएशंस क्या कहलाते थे, बताया था ना मैंने, वेरिएशन, यहां से आप इसमें गैप दे सकते हैं इस तरह से।
बताया था ना कंट्रोल टी करने के बाद वेरिएशन, लेकिन ये विदाउट वेरिएशन मैं आप कीबोर्ड से बताऊंगा। किससे बताऊंगा? तो मैं इसकी वेरिएशन को क्या कर देता हूँ, जीरो। क्या कर देता हूं मैं कीबोर्ड से, किस तरह से करूंगा? कीबोर्ड से मैं सिंपल, जैसे मुझे इसके इन दोनों टेक्स्ट के बीच में थोड़ा सा, आप देखें यहां पे सितंबर और एस और ई के बीच में, मैं चाहता हूं एस और ई जो है वापस में मिल जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे कर्सर रखूंगा बीच में, ऑल्टर की, किसकी की, ऑल्टर की दबाऊंगा, होल्ड करूंगा और राइट एरो की दबाऊंगा। तो ये देखे राइट एरो की दबा रहा हूं, तो ये सितंबर इसके ऊपर आ रहा है, ऐसा है मिल रहा है ना। लेफ्ट एरो की, सॉरी क्या दबा रहा हूं, ऑल्टर दबा के लेफ्ट, तो एस के साथ टेक्स्ट क्यू ई जो है वो यू मिल रहा है ना। मैं चाहता हूं गैप थोड़ा सा फासला रखूं, क्या करूं मैं, फासला एस से ही, तो ऑल्टर दबा के राइट एरो की दबाऊंगा, तो क्या होगा ये देखिए, फासला हो रहा है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अपनी मर्जी से थोड़ा सा गैप रखता हूं, जैसे यहां पे फिर ऑल्टर दबा के यहां से इतना गैप ले दिया, ऑल्टर दबा के इसमें इतना सा गैप ले दिया, ऑल्टर दबा के इसमें इतना सा स्पेस, ये मेरी मर्जी का स्पेस चल रहा है। किसका चल रहा है? मेरी मर्जी का स्पेस चल रहा है, ठीक है। प्रोफेशनल जो ग्राफिक डिजाइनर है, ऑल्टर दबाना है और वहां पे आपने हल्का सा एक एक करना है। ये देखिए हो गया, कोई मसला है, मुश्किल है, आसान है। उसके बाद अब मैं क्या करूंगा, इसमें वन बाई वन टेक्स्ट पिक्चर जो मेरे शोधा की है उसको मैं क्लिपिंग मास करूंगा। क्या करूंगा मैं, क्लिपिंग मास। तो मैं कंट्रोल प्लस कर लेता हूं थोड़ा, ठीक है, इसको यूं रख लेता हूं। कंट्रोल प्लस करने के बाद मैं सबसे पहले कहां जाता हूं, फाइल पर कहां जाता हूं, ऊपर तस्वीर, मैं स्पीड में लूंगा काफी, ठीक है। तो सबसे पहले यहां से उठा लेते हैं, ये हो इनका नाम अभी नहीं पता, तो मैं यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है, इनको सिलेक्ट कर लेता हूं कॉपी, और यहां पेस्ट कर लेता हूं, तो तस्वीर आ गई इनके ऊपर। कंट्रोल टी, मैं थोड़ा सा इनको बड़ा कर लेता हूं, उनकी तस्वीर मैं ले आता हूं यहां पर, ठीक है। यहां से गौर से देखिएगा, अच्छा क्लिपिंग मास्क करने का शॉर्टकट क्या था जल्दी से बताइए, कंट्रोल ऑल्ट जी, क्या था क्लिपिंग मास का शॉर्टकट, क्या है करते थे ना, कैसे करते थे हम, तस्वीर ये है ना, पिक्चर वन, ठीक है, तो इसका शॉर्टकट क्या था, आप या तो राइट क्लिक करके क्या कर देंगे, किधर है क्लिपिंग मास, ये करेंगे, या कीबोर्ड से शॉर्टकट क्या था, कंट्रोल ऑल्टर जी, या अगर आप यहां से जाएंगे तो आप कहां जाएंगे, लेयर में कन्वर्ट टू क्लिपिंग मास, यहां देखें क्या था शॉर्टकट, तस्वीर आ गई कुछ इसके अंदर, लेकिन अभी क्या आ रही है तस्वीर, मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूं, इसमें सेट करवाता हूं इसको, इस तरह से आपने सेट करना है, आपने इस तस्वीर के साथ करनी है मेहनत, क्या करनी है ये देखें, फर्स्ट हो गई तस्वीर, आप जल्दी जल्दी आपने लेकर आनी है तस्वीर, अब ये सेकंड नंबर पे ये है, ठीक है, इनको कंट्रोल ए कर लिया, कॉपी कर लिया, इनको भी पेस्ट कर लिया, तस्वीर बहुत बड़ी आ रही है, कंट्रोल माइनस कंट्रोल टी, ई के ऊपर लाके सेट करना है इनको, इनकी तस्वीर को, तो आपने क्या लिया है यहां पर, लिया है कंट्रोल ऑल्ट जी, ये भी आगे सेट हो गई, इस पिक्चर को भी थोड़ा सा, ठीक है, कोशिश किया इसके ऊपर से और इसके ऊपर से हटा दिया, जहां तक तस्वीर है वहीं तक रखना है हमने, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद फिर कंट्रोल ओ किया, जल्दी जल्दी तस्वीर लेकर आनी है, ये कोई नया काम नहीं हो रहा है, ठीक है, ठीक है, इनकी तस्वीर है, ठीक है, हमने यहां से लेकर यहां तक सिलेक्ट कर लिया, ठीक है, कंट्रोल वी पेस्ट किया, यहां से इनकी तस्वीर को सेट करना है, बस आपका क्या करना है, कंट्रोल टी करके स्पीड के साथ आपने इसमें सेट करना है, ठीक है, क्लियर है, कंट्रोल ऑल्ट जी, ठीक है, इस तरह से क्लियर है, हो जाएगा, ठीक है, पूरी तरह से इसको ले आइए ऊपर से, मजीद आप कर लीजिए, ठीक है, फिर कंट्रोल ओ कर लें, अच्छा उसके बाद कौन है, जितने आ सकते हैं उतने तो हम वो करें ना, कंट्रोल ए कॉपी पेस्ट, इसी तरह यहां पर लेकर आए कंट्रोल टी,
है, इसको इसके अंदर ले कंट्रोल ऑल्ट, ठीक है स्टूडेंट, ठीक है क्लियर है। अच्छा उसके बाद फिर तो मैंने उसे मेजर्स, ठीक है ठीक है, एनी प्रॉब्लम? तो मैं स्पीड में थोड़ा कर रहा हूं, आप लोगों को समझ आ रहा है ना, कर लेंगे ना आप लोग यहां तक? जिसके जहां तक तस्वीर है उसको वहीं तक रखिएगा, ठीक है। और कौन है ये, मतलब सारे आ गए हैं हमारे पास? अच्छा जी, अब कौन रह गए? नजर तुफैल साहब, इनके नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, इन तमाम ये सारे हमारे हीरो हैं, नेशनल हीरो, इन सब के आप लोगों को नाम पता होने चाहिए, ठीक है। अच्छा यहां पे मैं अभी इसको स्मार्ट मास्क पे कन्वर्ट कर दूंगा, किसमें कन्वर्ट करूंगा? स्मार्ट मास्क पे तमाम लेयर्स को कन्वर्ट कर दूंगा। ये देखें बस दो पिक्चर्स रह गई है मेरी, राशिद मिनाज साहब की और एक उनकी। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। और आर पे कौन है? और लास्ट तस्वीर किसकी है जनाब? ठीक है। अच्छा देखिए बहुत सारी लेयर्स हो गई हमारे पास, हमें कंफ्यूजन हो गई ना तो यार, इतनी सारी लेयर्स हमारे पास आ गए, अब हम क्या करें? यहाँ गौर से देखिए, हमारे पास लेयर्स बहुत सारी हो गई। यहाँ पर देखें, नोट करें कहाँ से हमने, कहाँ से काम स्टार्ट किया, यहां से ना। अब आपने यहाँ पे क्लिक करना है, कहाँ पे? इस जगह पे शिफ्ट दबाना है, सबसे लास्ट में आना है, सबसे लास्ट वाले पे क्लिक करना है और राइट क्लिक करके क्या करना है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। क्या करना है? कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट में अभी एक लेयर में बन जाएगा। अब इस पे आप हल्का सा लिख लें SEP, ठीक है TEMBER, ठीक है। क्या कर दिया हमने? कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लिया। अच्छा उसके बाद देखें क्या करना है, अब हमने इसको यहां से नीचे लेकर आना है इस जगह। अब हमने यहां से सितंबर तो लिख लिया ना, अब हमारा वो काम है, अब हम इसको जल्दी से जो है हम क्या दे देते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा सितंबर हमने लिख लिया है और यहां पे ठीक है 6 सितंबर, यहां पे 6 लिखेंगे स्टाइल के साथ, ठीक है। और यहां पे डिफेंस डे लिखेंगे अलग अलग में, नॉर्मल लिखेंगे उसमें, ठीक है। तो अब इसको हम थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, ताकि थोड़ा सा बोल्ड इम्बोज कर देते हैं। राइट क्लिक करके कहां जाएंगे? ब्लेंडिंग ऑप्शन, ब्लेंडिंग ऑप्शन में गौर से देखिए हमने क्या करना है इसके ऊपर, यहां से देखें ब्लेंडिंग ऑप्शन में सबसे पहले हमने बेवल इनबॉक्स यूज करना है। बेवल इनबॉक्स में सबसे पहले इसकी साइज को आप थोड़ा इसको डेप्थ करें थोड़ा सा, ये देखें ये नजर आ रहा है डेप्थ हो गया। यहां से आप अगर आप इसकी स्केलिंग बढ़ा देंगे तो मजीद आपको ठीक है डेप्थ नजर आ रहा है, यहां से डेप्थ कर लें आप। डेप्थ इसको जितना दिल चाहे आप इसका कर लें, ताकि ये शो हो जाए ना थोड़ा, तो आप इसको कर लीजिएगा 175 डेप्थ कर लीजिएगा और इसकी साइज जो है वो 4 कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? दोबारा बता रहा हूं, दोबारा देखिए राइट क्लिक करके कहां जाएंगे? ब्लेंडिंग ऑप्शन, ब्लेंडिंग ऑप्शन में से कहां जाएंगे आप देख लीजिए, मैं बहुत यही एक इफेक्ट यूज करूंगा और इफेक्ट को पेस्ट कैसे कर सकते, यही जो ब्लेंडिंग ऑप्शन में ये इफेक्ट यूज करूंगा, यही ब्लेंडिंग ऑप्शन का इफेक्ट 6 सितंबर में भी यूज करूंगा और यही ब्लेंडिंग का ऑप्शन कल
इफेक्ट किसके ऊपर यूज करूंगा मैं, किसी और दूसरे वर्डिंग पे भी यूज करूंगा। तो अच्छी तरह से समझिएगा, राइट क्लिक करेंगे कहां जाएंगे, लैंडिंग ऑप्शन में, बहुत स्पीड में आप काम करूंगा अब, ठीक है, क्योंकि इस तरह की चीजें बनाने में टाइम लगता है स्टूडेंट, ठीक है। उसके बाद कहां जाऊंगा, सबसे पहले बेवल इनबॉक्स, इसकी साइज डायरेक्ट क्या करूंगा, क्लिक करना है, साइज करूंगा 170 और सॉरी डेप्थ, सॉरी डेप्थ 170 और साइज कर दूंगा 4। 4 कर लें या आप जितना दिल चाहे आपका, आप चाहे इसका आप कर लें, सपोज आप 10 कर लें, सपोज 10 एंड दैट सिंपल। अच्छा यहां से एक चीज काम और कीजिएगा, नजर आ रहा है आपको यहां से स्क्रीन, यहां से दोनों यहां पे क्लिक करके सॉफ्ट लाइट पे क्लिक कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, यहां से हाईलाइट मोड और शेडो मोड है ना, इन दोनों को क्या कर देंगे, सॉफ्ट लाइट, क्या कर देंगे, यहां से ये देखे ऊपर नजर आ रहा है, इसको यहां से इसके मोड को कर देंगे सॉफ्ट लाइट, इसको भी सॉफ्ट लाइट कर देंगे, और इसका जो शेडो मोड है इसको भी क्या कर देंगे, सॉफ्ट लाइट। क्लियर, एनी प्रॉब्लम? सॉफ्ट लाइट करने के बाद आप क्या कर लेंगे, सिंपल, उसके बाद आप जाएंगे इसके ड्रॉप शेडो में, कहां जाएंगे आप, ड्रॉप शेडो कहां क्लिक करेंगे स्टूडेंट, देखिए जैसे ही ड्रॉप शेडो में क्लिक किया है, देखिए शेड कुछ इस तरह से आ रहा है, तो आप ड्रॉप शेडो में सपोज कर लें नॉर्मल है, ड्रॉप शेडो में व्हाइट है, ठीक है व्हाइट आ रहा है ना, आप इसकी साइज को थोड़ा सा, ये देखिए साइज कुछ इस तरह से बढ़ रहा है, आप इसकी डिस्टेंस को बढ़ाने की कोशिश करें, देखिए डिस्टेंस, चले डिस्टेंस आप कर दीजिए इसको 0, स्प्रेडिंग बहुत ज्यादा हुआ हुआ है, स्प्रेडिंग को कम कर दीजिएगा, इस पर कुछ नहीं कीजिएगा, इसको नॉर्मल, इसको व्हाइट कलर रखिएगा, ठीक है, इसको 0 स्प्रेडिंग कर दीजिएगा आप, स्प्रेडिंग को भी थोड़ा सा नॉर्मली रखिएगा, थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, सपोज 22 स्प्रेडिंग, और 22 स्प्रेडिंग कर लीजिए, और साइज को क्या कर लीजिए, साइज को आप कर दें, साइज को 10 ही रहने दें, क्या रहने दें आप, या साइज को आप बढ़ा लीजिए, साइज को आप 15 कर लीजिए, तो कुछ इस तरह का इफेक्ट आ रहा है आपके सामने। उसके बाद यानी कि आपने ड्रॉप शेडो पे क्या करना है, ड्रॉप शेडो पे ओपेक्सिटी आपकी 100%, ठीक है, डिस्टेंस आपकी 0, ठीक है, स्प्रेडिंग 22, ठीक है, और साइज आपकी क्या होगी, क्या रखा है, मेरा साइज 15 रखा है, ठीक है। उसके बाद आप क्या कर दे, उसके बाद अगला स्टेप होगा आपका स्ट्रोक, क्या देंगे आप, स्ट्रोक आपको इसको ब्लैक देना है, क्या देना है स्ट्रोक, जैसे ही आप स्ट्रोक पे क्लिक करेंगे यहां पे देखें इसके ऊपर स्ट्रोक अप्लाई हो रहा है, तो स्ट्रोक की साइज यहां से अगर देखें बढ़ाते हैं, तो ये देखें साइज बढ़ ली है इसकी, तो आप स्ट्रोक, अच्छा स्ट्रोक भी किस साइज में, स्ट्रोक को आप 3 कर दीजिए, क्या कर दीजिए, स्ट्रोक की साइज 3 कर दीजिए। अच्छा ये आउटसाइड से शो हो रही है स्ट्रोक, यहां से देखिए पोजीशन, आप इसको इनसाइड कर दीजिए, पता चल रहा है ना कुछ, स्ट्रोक और दैट सिंपल, आप कर दीजिए ओके, क्या कर देंगे आप, ओके। मैंने 3 इफेक्ट यूज किया इसके ऊपर, ब्लेंडिंग ऑप्शन, ठीक है, ड्रॉप शेडो, और सारी इसकी सेटिंग बता के क्या कर दिया मैंने, ओके। क्लियर है यहां तक? अब ये इफेक्ट हमारे पास लग चुका है, इसको मैं कर रहा हूं बंद, क्लियर है यहां तक, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा अब ये देखें सितंबर बन चुका है, ठीक है, सितंबर बनने के बाद अब मैं इसके ऊपर 6 लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं, 6, 6 भी मैं व्हाइट से नॉर्मल एक अलग से लेयर में, और 6 के अंदर मैं क्या करूंगा, पाकिस्तान का झंडा पेस्ट करूंगा, यहां पे क्लिक कर देता हूं, और मैं यहां पे लिख देता हूं नॉर्मल 6, और 6 को मैं कर देता हूं यहां पे बड़ा, ऐसा ही है ना, यहां पर आएगा ये 6 सितंबर, कि भाई ये 6 सितंबर। अच्छा आप चाहे तो फॉन्ट स्टाइल चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, मैं फिलहाल ये ले रहा हूं कि यहां पे 6 सितंबर, 6, ठीक है, यहां पे लिख लिया, मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूं, ठीक है, यहां पे भी रख सकते हैं, लेकिन आप फिलहाल यहां पे रख, ठीक है। अब इसके अंदर आपको पाकिस्तान का फ्लैग लेकर आना है, क्या लेकर आना है, फ्लैग ओपन कर ले पाकिस्तान का फ्लैग, इसको भी स्मार्ट लेयर पे, आप सब चीजें स्मार्ट लेयर के ऊपर, ये नजर आ रहा है पाकिस्तान का फ्लैग, ठीक है। आपने क्या करना है, आप ये वाला, चले ये वाला फ्लैग नहीं ले रहे हो, कंट्रोल डब्ल्यू आप ले लें, इसके अंदर दूसरा एक और फ्लैग मैंने ओपन किया हुआ, इसके अंदर थोड़ा स्टाइलिश सा फ्लैग दिया हुआ है मैंने, एक मिनट, ये वाला फ्लैग आ गया, ये आप यहां से इसको, यहां से आए, यहां से यहां तक आप इसको क्या कर लें, कॉपी, कॉपी करने के बाद कंट्रोल डब्ल्यू और यहां से पेस्ट कर लें, झंडा कुछ बड़ा सा आ रहा है, आपने इसको छोटा करना है,
इसके ऊपर सेट करना है लाके, ठीक है? सेट हो गया पूरी तरह से सेट, और इसको आप कंट्रोल ऑल्ट जी कर दीजिए, हो गया। अच्छा अब असल चीज मजा आपको यहां पर आएगा, ये देखो मैं इसको भी स्मार्ट लेयर कर दूंगा, अब ये सिक्स कुछ बन गया। अच्छा इसको भी इम्पोज वगैरह करना है, कंट्रोल टी, इसको भी इफेक्ट्स वगैरह देना है, तो मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है ना इफेक्ट्स वगैरह देना, तो मैं क्या करूंगा इन दोनों लेयर को क्या कर दूंगा, स्मार्ट लेयर राइट क्लिक करके क्या कर दूंगा, स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और इसका नाम क्या दे दूंगा, सिक्स, ठीक है। अच्छा अब यहां पर ये यहां पर जो मैंने इफेक्ट लिया है, मैं चाहता हूं यही इफेक्ट, इस तरह का जो इफेक्ट अप्लाई सेम यही ब्लेंडिंग ऑप्शन का इफेक्ट यहां पर भी आ जाए, कैसे? कभी कोई टेक्स्ट में आप अगर ब्लेंडिंग ऑप्शन आपने एक पे ले लिया और आप चाहते हैं कि मेरा टाइम बचे कि वापस आके आप राइट क्लिक करूं, मैं इसके ऊपर भी राइट क्लिक करूं, देखे इसके ऊपर भी राइट क्लिक करूं, ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाऊं, जरा गौर से सुनिएगा, तो टाइम मेरा वेस्ट होगा ना। तो जब मैंने एक इफेक्ट लिया हुआ है उसी दूसरे को सेप्टेम्बर से मुझे अगर इसी के ऊपर सिक्स के ऊपर अप्लाई करना है तो क्या करूंगा, यहां से देखो सेप्टेम्बर पे आऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, यहां से क्या लिखा हुआ है कॉपी, यहां से देखे कॉपी कन्वर्ट टू लिंक, यहाँ पे देखे कॉपी कहीं पे आ रहा है, नहीं यहाँ पे नहीं आ रहा, राइट क्लिक करें यहां से, यहां पर भी नहीं आ रहा, एक मिनट राइट क्लिक, नहीं यहाँ पे भी नहीं आ रहा, राइट क्लिक, कॉपी लेयर स्टाइल नजर आया आपको, यहां पर आने के बाद कितना नजर आ रहा है आपके पास, क्या लिखा हुआ है कॉपी लेयर स्टाइल आ रहे नजर, इसके ऊपर सिंपल क्या करते हैं कॉपी लेयर स्टाइल कर दूं क्लिक, आराम से लिख के कोई इशू नहीं है, क्योंकि यही ऑप्शन मैं बार बार यूज करने वाला हूं, कॉपी लेयर स्टाइल करेंगे, यहां से देखें कॉपी लेयर स्टाइल, कॉपी लेयर स्टाइल करने के बाद आपने इस लेयर के ऊपर आए राइट क्लिक किया, क्या लिखा हुआ है, तो वो इफ स्टाइल किसके ऊपर अप्लाई हो गया, हो गया, हुआ या नहीं हुआ, सेम हो गया, दोबारा देखें इस स्टाइल के ऊपर राइट क्लिक किया, क्या किया मैंने, क्या लिखा हुआ है कॉपी लेयर स्टाइल, यहां पर क्योंकि इसके ऊपर अप्लाई करना है ना, मैंने राइट क्लिक किया, यहां पे क्या लिखा हुआ है, आ गया, टाइम बच गया मेरा, ठीक है, क्लियर है। अब मैं लिखता हूं, एक मिनट जल्दी से मैं लिखता हूं इसके अंदर TH स्मॉल में चले व्हाइट में ही लिखता हूं, इसको उठा के मैं क्या करता हूँ सिक्स, यही होता है ना, ऐसे ही होता है ना सिक्स, और बड़ा करूं काफी है, इसको मैं लिखता हूं किस स्टाइल में, इसको भी लिखता हूं, मैं इसको व्हाइट में ही लिखता हूं, इसको ब्लैक में लिखता हूं, ठीक है, इसमें किसमें लिखता हूं मैं, इसको ब्लैक या व्हाइट में ही रहने देता हूं, कॉपी किया हुआ है ना स्टाइल, तो कॉपी किया हुआ राइट क्लिक करके, कॉपी नहीं दोबारा कॉपी करना पड़ेगा, ना ना उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या लिखा हुआ है, आ गया, क्लियर है यहां तक। अच्छा अब ये तो हो गया, अब जल्दी से डिफेंस डे, 6 सितंबर डिफेंस डे, अच्छा अब मेरे ऊपर ऑप्शन आ गया कि मैं क्या करूं, यहां देखें कि मैं इस सितंबर को उठाकर यहां रख दूं, अब तो मेरे ऊपर है ना, अब तो मेरे डिजाइनिंग तो मेरे ऊपर आ रही है कि अच्छा अगर मैं इसको उठाकर, एक मिनट, अब अगर सिर्फ सिक्स को मैं उठाकर यहां रख देता हूं, या गौर से देखिए इसको मैं यू कर दूं, ठीक है, इसको यहां पे कर दूं, इसे मैं कर दूं यहां पर इस जगह पे, और सितंबर को कहां कर दूं मैं, इस जगह पे, सॉरी बैकग्राउंड अपनी जगह से हट गया, Ctrl 0, ठीक है, ठीक है, मैं सितंबर को कहां से करूं, ये देखें कितना फायदा हो रहा है, कंट्रोल टी, अब मेरे ऊपर ऑप्शन है, बन गया इफेक्ट, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूं यहां से, क्लियर, आ गया 6 सितंबर, और 6 सितंबर यहां पे डिफेंस डे लिखना है, क्या लिखना है मुझे, डिफेंस डे, और डिफेंस डे मैं किसी और जल्दी से लिख देता हूं, स्पेलिंग बताइए डिफेंस की, DFENCE डिफेंस, डिफेंस डे, DAY, ठीक है ना, इसको मैं कंट्रोल टी करता हूं जल्दी से, और यहां से
यहां से ये ले लेता हूं कोई इशू, ठीक है। इसको मैं यहां से यहां तक, इसको मैं लिखूंगा ब्लैक में, ये देखो, इसको मैं यहां से यहां तक कर लेता हूं, ठीक है, क्लियर है। और इसको मैं, इस टेक्स्ट को मैं किसमें कर लेता हूं, ब्लैक में, जल्दी से कर लेता हूं ब्लैक में। और इसके ऊपर भी मुझे वही इफेक्ट लेकर आना है, किस पे समझ में नहीं आ रहा है, नजर नहीं आ रहा, तो मैं उसमें चेंजिंग कर सकता हूं। तो मैं क्या करूं, इसको उठाकर मैं सबसे ऊपर ले आता हूं लेयर में, मैं क्या करता हूं, राइट क्लिक, कॉपी लेयर स्टाइल, यहां पर आता हूं, राइट आ गया। लेकिन मैं अगर चाहूं तो थोड़ा सा इस पे चेंजिंग भी कर सकता हूं, चेंजिंग कर सकता हूं ना, लेकिन मैं नहीं कर रहा चेंजिंग, ठीक है। सिंस डिफेंस डे, अब जरा देखें, अब इसमें कंट्रोल जीरो आ गया। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, अब जो मैंने वो जहाज वगैरह लेकर आया, मैंने उसके ऊपर रख दूंगा थोड़ा सा, क्या रख दूंगा ऊपर, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एक दफा एफ दबाया, एक दफा टी दबाया, कंट्रोल जीरो, तो हम जल्दी से जहाज भी लेते हैं, कंट्रोल जीरो, ठीक है। इसको बंद कर देता हूं मैं, सॉरी एक मिनट, ठीक है, कंट्रोल जीरो। अब जल्दी से मैं पाकिस्तानी फ्लैग, पहले जहाज ले आते हैं, ये जहाज कौन सा ले, ये वाला ले, ठीक है। चले मैच, इसको कैसे काटेंगे, मैजिक बैंड टूल, ऐसे ही है ना, ऐसे ही है ना, इन्वर्स भी कर दिया, देखें आपको पता भी नहीं चला मैंने इन्वर्स कर दिया। शिफ्ट F2, F6, टू फीदर किया मैंने, एडिट में गया मैं, क्या क्या कॉपी यहां पे लाके पेस्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा यहां मजे की बात पता है क्या है, मजे की बात है, इसका सर, इसका कीबोर्ड चेंज कर दीजिएगा प्लीज, क्योंकि इसका कीबोर्ड सही नहीं है। अब हम लोग करते हैं ना कंट्रोल सी, अभी जो तो आदत है इसी में स्पीड में काम करने का, जैसे ये जहाज था ना, या मैं बताता हूँ आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, इसका कंट्रोल सही नहीं है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आई, ठीक है, F6, ओके, एडिट में जाए क्या करेंगे, कॉपी आ गया, कंट्रोल टी, ऑल्टर शिफ्ट, इसको यहां रख दिया हमने, ठीक है, यहां पे रख दिया, ठीक है, इंडिया की तरफ रुख कर दिया, ठीक है, रोमैन साहब की तरफ रुख है, खैरियत तो है ना, चलेगा, ठीक है। सेव करते हैं इसको, चलो सेव अभी थोड़ी देर बाद, फिर कंट्रोल वो करते हैं। अच्छा टैंक आए, एक आप टैंक भी था, मैंने टैंक भी निकाला था ये। अच्छा टैंक है, अब टैंक के साथ क्या है, इसको मुझे कटिंग करनी पड़ेगी बहुत स्पीड में, तो पेन टूल लिया, ये देखा आज आप लोगों को काम करने का तरीका पर, ये देखा पेन टूल कैसे लेंगे, मैं बिल्कुल अपने अपने स्टाइल में कटिंग करूंगा, ठीक है, स्पीड में कोशिश करूंगा कटिंग, ये देख देख रहे हैं, मैं यहां पे मैं ये नहीं देख रहा कि किसका क्या है, ये देखें देख रहे हैं कितने स्पीड में मैं कटिंग कर रहा हूं, ताकि टाइम हमारा बच जाए। ये देखें अब टैंक भी रखना है आपने, और यहाँ पे किश्ती भी रखना है यहाँ पे, ये देखें, ठीक है। आप लोग सही से कटिंग कर लिया, क्योंकि मैं प्रॉपर क्लास हो रही है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा प्रॉपर कटिंग नहीं कर रहा इसके ऊपर, ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह से मैंने टैंक का, टैंक की कटिंग भी कर ली, कंट्रोल इंटर, क्या करेंगे F6, और इसको 3 कर देंगे, क्या कर देंगे, 3, एडिट, कॉपी, और यहां से इसको क्या कर देंगे, पेस्ट, आ गई टैंक। और टैंक को कहां लगाते हैं, टैंक को यहां रख देते हैं छोटा करके, टैंक को हम यहां रख देते हैं इस जगह पे, टैंक को मैडम लगा देते हैं, कोई इशू नहीं, एक मिनट ना मैडम, अभी आप देखें कितना अच्छा लगेगा, टैंक रखा ना, चले हम, मैं टैंक यहां लगा देते, और इसकी ओपेक्सिटी क्या कर देते हैं, हम कम कर देते हैं यहां से, चले ना, ओपेक्सिटी कम, ओपेक्सिटी, ठीक है। अच्छा आप, हमारे पास किश्ती भी तो है ना, किश्ती भी है, मैं वैसी लगा के दिखा रहा हूं आप लोगों को, समंदर में किश्ती भी है, अब किश्ती हो, ठीक है। अच्छा और क्या क्या चीज है किश्ती के अलावा, देखिए ये फौज की, ये है ना फौज, अब इस फौज को मुझे बैकग्राउंड पे सेट करना है,
एक मिनट मैडम, आपने क्या कर दिया, कॉपी और बैकग्राउंड कहां पर है हमारा, बैकग्राउंड कहां है हमारा, ये है ना, बैकग्राउंड के ऊपर पेस्ट कर दिया, कंट्रोल टी। यहां देखें, अब एक मैडम मैडम भी थोड़ा सा हो रही है कंफ्यूज, यही तो चीज है भाई हमें, यहां से देखें, इसको यहां पे रखें थोड़ा सा इधर, ठीक है। अब इस बैकग्राउंड को थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यहां से इसको भी हम क्या कर देंगे, मास्किंग, कौन सी, ब्रश मास्किंग, ठीक है। अच्छा ये बैकग्राउंड इसके ऊपर आ गया है ना थोड़ा सा, तो यहां पे व्हाइट है, सॉरी, तो इसको हम ब्लैक कर देंगे, आ रहा है कुछ समझ में। और इसको ऊपर से थोड़ा सा लाइट कर देते हैं, और इसको भी क्या कर देते हैं, वेरी सिंपल, इसको भी हम ओपेसिटी कम कर देते हैं, ठीक है, जितना चाहे आप ओपेसिटी कम कर सकते हैं, क्लियर। अब हम इस मेजर अजीज भट्टी साहब की तस्वीर को क्या कर देते हैं, अब करते हैं हम बड़ा, ठीक है। और अब पाकिस्तान का जो झंडा चाहिए ना हमें, पाकिस्तान का जो फ्लैग आएगा वो कहां से आएगा, मेजर अजीज भट्टी के बैक साइड से निकलना चाहिए, कहां से निकलना चाहिए, ठीक है। और यहां पे जो जो आपने जहाज दिया है, एक मिनट, यहां पर जो आपने जहाज दिया इसको छोटा करके यहां पे एक यहां पे लगा दे, ठीक है, एक ऑल्टर डुप्लीकेट करके आप यहां पे कंट्रोल टी राइट क्लिक करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर दे, ठीक है, यहां पे लगा दे। और अब आप एक काम करें, ठीक है, और एक अगर हो सके तो छोटा करके यहां पे लगा दे, वैसा परेशान हो जाएगी, ये हो क्या रहा है, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद अच्छा एक काम और क्या करें, अब ये मेजर अजीज भट्टी के बैक साइड से जो है ना कायद आजम की तस्वीर है, एक तरफ से राइट साइड पे कायद आजम, और सॉरी ये जो ये होगा जो ये एरिया लेफ्ट साइड है ना, यहां से कायद आजम की तस्वीर निकले और राइट साइड से फ्लैग, कैसे निकलेगा ये देखें, कंट्रोल ओ किया, ये देखें यहां से ए सबसे पहले फ्लैग, ठीक है, ठीक है, यहां से आप ले मैच मॉन्टूर, यहां पे क्लिक करें, ये देखें और शिफ्ट तस्वीर आ गई, ठीक है, यहां देखें कंट्रोल शिफ्ट आई तस्वीर आ गई है, झंडा आ गया फ्लैग, शिफ्ट F6 करें, शिफ्ट 2 करें, एडिट पे जाए क्या करें, कॉपी, इसको बंद करें। अजीज मेजर अजीज भट्टी की पिक्चर कहां है, राइट क्लिक करके, यही तस्वीर है ना, यही है ना पिक्चर, राइट क्लिक करके इसको अप्लाई मास्क करवा दे, तस्वीर यही है, इसके ऊपर आए कंट्रोल वी से पेस्ट कर दे, झंडा कुछ यहीं पे आ रहा है, यहां देखे इसको यहां से आ जाए, कंट्रोल टी पकड़ के थोड़ा सा बड़ा करें, ज्यादा नहीं, और थोड़ा सा यूं घुमाए, ठीक है, इस तरह से यहां पे रखे झंडा, और थोड़ा सा छोटा करें, और इनके फेस के बैक साइड से ये झंडा निकले, तो लेयर को क्या कर दे, इसके नीचे, इनके तस्वीर के नीचे आ रही है फ्लैग आ गई, कंट्रोल टी करें, इसको थोड़ा सा ऊंचा कर दे, और यहां से नीचे कर दे, एक तरफ से तस्वीर आ रही है, ठीक है, कंट्रोल ओ कीजिए, अगला इफेक्ट मजार बाबा जी को, ठीक है, बाबा जी को क्या करें, आप बाबा जी को जल्दी से कटिंग कर ले, ठीक है, अगर बाबा जी यहां से उठते हैं तो ठीक है, ठीक है, कंट्रोल सी और यहां से कंट्रोल वी, बाबा जी कहां आ गए, ये ऑलरेडी नीचे आ गए, इनको ऊपर लेकर आते हैं, ठीक है, इनको यहां से इसके ऊपर लेकर, अच्छा बाबा जी को उठाकर हमने कहां रख देना है, बाबा जी को थोड़ा बड़ा करते हैं, ए यहां पर बाबा जी को थोड़ा सा तस्वीर जो है ना बैक साइड से नजर आए, ठीक है। अच्छा अब क्या करेंगे, बाबा जी की तस्वीर को भी मेजर पट्टी के साथ के पीछे रख देंगे, यानी या यू इस तरह से, और इसके ऊपर करेंगे मास्किंग, क्या करेंगे आप, मास्किंग, ब्रश लिया आपने, ब्रश लेके बाबा जी की तस्वीर को कुछ इस तरह से करेंगे, और थोड़ा सा उठाकर यहां पर इस तरह से किया, और बाबा जी की तस्वीर को भी ओपेसिटी कम कर दिया आपने, ठीक है, क्लियर। और आप चाहते हैं बाबा जी की तस्वीर, एक चीज और सिखा रहा हूं आपको, आज एक चीज और सिखा रहा हूं,
जैसे बाबा जी की तस्वीर चाहते मेजर अजीज भट्टी जैसे बैकग्राउंड के कलर पे होते, क्या हो जाए, यानी बाबा जी की जो तस्वीर है ना इस तरह से आ रही है, ये जो बैकग्राउंड का कलर है वैसे मिक्स हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे नॉर्मल पे आएंगे और सबसे लास्ट पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लिमोसिटी, इस पे क्लिक कर देंगे तो बाबा जी की तस्वीर भी ऐसी ही हो गई और इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी आप कम कर दें ऐसे, और ये हो गया आपका तकरीबन, ठीक है, जिसको आप सेव कर लें 6 सितंबर का, ठीक है, और सेव एस, ठीक है, और सेव कहाँ करते हैं हम, डी ड्राइव, फोटोशॉप और 6 सेव पोस्टर्स, ठीक है, और आज की तारीख क्या है, 6/9/21, ठीक है, और ओके कर दें, और इसको किस पे, जेपीजी में कन्वर्ट करते हैं ना, तो कंट्रोल फाइल पे जाकर क्या करते हैं आप, सेव एस, और जेपीजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कहां पर, जेपीजी, ठीक है, और जेपीजी में मैं ज्यादातर कन्वर्ट करता हूँ कहां पर जनाब, डाउनलोड, डाउनलोड में गलत फोल्डर बना हुआ है मेरे नाम से, नजर नहीं आ रही है, ठीक है, 6 सेप, ठीक है, और यहां से ओके, और यहां से ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, इसको फुल स्क्रीन करके देखते हैं, फुल स्क्रीन पे कुछ ये देखने में ऐसा लग रहा है, Ctrl 0, क्लियर बन गया, ठीक है, मुश्किल है आसान है, मतलब आप बैकग्राउंड से कोई भी इफेक्ट बना सकते हैं, ठीक है, इसको मैंने मिक्स प्लेट बना दिया, क्या बना दिया मैंने, मिक्स प्लेट, लेकिन कोशिश की एक अच्छा बनाने के लिए, आपको समझाना था, देखिए यहां पर मकसद ये नहीं है कि कोई नई चीज, बहुत सारी नई चीज इसमें आई है, जैसे कॉपी अफेक्ट करके पेस्ट किस तरह से करते हैं, तो आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं, ठीक है, आप लोग